2021 में IRCTC में अपना एक अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, और जब आपका अकाउंट बन जाता है तो आप उस अकाउंट से बहुत ही आसानी से आप टिकट बुक कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा, और आप यकीन मानिए कि आपको इतना डिटेल में और इतना प्रोफेशनल तरीक़े से शायद ही कोई बताया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, पैसा करने की कोशिश कीजिएगा, और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। IRCTC पे अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद आप इस पेज पे आ सकते हो, या आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग कीजिएगा irctc.co.in तो भी आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ देख रहे हैं कि अलर्ट का ऑप्शन है, आपको इसको रीड कर देना है, ठीक है। मुझे पता है किसी को रीड करना नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर रीड करना है तो कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है। इस देख रहे हैं कि यहाँ पे जो IRCTC का इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका छोटा सा फॉर्म है, पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि बुक योर टिकट, तो आप मतलब जब कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना, मतलब आपको कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे आप दिल्ली से बम्बई जा रहे हैं तो आपको दिल्ली यहाँ पर डालना है, बम्बई यहाँ डालना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पर मुजफ्फरपुर से सूरत जाना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मुजफ्फरपुर, यहाँ मैं डाल देता हूँ सूरत। तो मैं यहाँ पे स्टेशन चूज कर लिया हूँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना डेट भी चूज कर लेना है, सो कौन सा डेट में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट ईयर नया साल में ट्रैवल करना चाहता हूँ, जैसे 1-2 में, चलो मैं 3 चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको क्लास चूज कर लेना है, मतलब आप AC में जाना चाहते हैं, 3 AC, 2 AC या स्लीपर, तो आप इसमें से चूज कर लेना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर स्लीपर चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ आप फाइंड एंट्रेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि ट्रेन कितने में घाटे में चल रही है, कि यहाँ पर इसको एयर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन ट्रेन जो है कितने घाटे में चल रही है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो एयर लगा हुआ है, आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पर जो है ये एयर लगवा रहा है अपने जो ट्रेन जो इतने घाटे में है, वो उसके लिए यहाँ पे एड भरी पड़ी है, नीचे भी है ऊपर है। सोच सकते हैं कि ट्रेन इंडियन ट्रेन कितने घाटे में चल रही है। चलिए मैं यहाँ पे सिंपली चेक अवेलेबिलिटी एंड फिर पर ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये इसका ये पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि 3 के डेट में यहाँ पर 119, इसके बाद 4 के डेट में 115, 5 के डेट में 92, तो कितना वेटिंग चल रहा है ट्रेन, आप सोच सकते हैं। चलिए इसके बाद हमको CNF प्रोबेबिलिटी पे ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। अगर आपके पास पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड है तो सिंपली ये जो कैप्चा है, कैप्चा डाल के इसमें वो कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो है ही नहीं यूजर आईडी पासवर्ड, क्योंकि हम तो अभी नया बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर वाले पे ओके करना है। तो नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर चलिए रजिस्टर वाले पे ओके करते हैं। ओके करते ही आपके सामने इंडिविजुअल का कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आया था। आप देख रहे हैं कि ट्रेन कितने घाटे में चल रही है, कि यहाँ भी एड लगी पड़ी है। तो यहाँ पर आपका एक यूजर नेम, यहाँ पर आपको छोटा सा फॉर्म है, इसको पहले दिखला देता हूँ। ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, एक यूजर नेम आपको सिंपल सा आपका यूजर नेम रख लेना, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड ये आपको यहाँ पर डालना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई नंबर होना चाहिए, उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कितना से कितना डिजिट होना चाहिए, जैसे 8 डिजिट से लेके 15 डिजिट के अंदर में आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से इसको यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए, जैसे आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो इसको रिकवरी के लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको चूज कर लेना, जिससे आपको पासवर्ड रिकवरी मतलब हो जाए, वापस आपको याद आ जाए, इसके लिए आपको इसको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप चूज, जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मतलब आपके स्कूल में आपका पहला नाम क्या था। चलिए मैं यही चूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिंपली सबको याद रहता है। इसके बाद यहाँ पर कोई एक आंसर आपको डाल देना। चलिए मैं यहाँ पे आंसर डाल देता हूँ, जैसे भी देखिए मैं यहीं पर आंसर डाल, ये ग्रीन हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा, अगर जो नहीं होगा उसमें रेड मार्क आ जाएगा और वो नहीं होगा। चलिए मैं इसको भी फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं फिलअप किया हूँ तो पूरा ये ग्रीन हो चुका है। तो इसी तरह आपको भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ लैंग्वेज चूज कर लेना कि लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश क्या रखना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ इंग्लिश रखना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे आपको नाम डालना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो सिंपली आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ जेंडर चूज कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप इसमें से आपको चूज कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था। तो इसमें से आप बहुत ही आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें से चूज कर लेता हूँ। तो आप बहुत ही आसानी से अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से यहाँ पे चूज कर लेंगे। ओके, पीसन पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हो, जैसे आप गवर्नमेंट हो, पॉलिसी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोफेशनल हो, और इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, अदर हो, क्या हो आप। चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका शादीशुदा हो गया है या आप शादीशुदा नहीं हो, तो यहाँ पर मैरिट स्टेटस पूछ रहा है। तो आपको शादीशुदा हो तो यहाँ पर ओके करोगे, नहीं तो अगर नहीं हो तो सिंपली आपको यहाँ पे अनमैरिड कर देना है। यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी आपका आ चुका है। यहाँ ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी वो होना चाहिए जो डेड नहीं हो, चलता अवस्था में हो। ईमेल आईडी आपको वही देना है जिस ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, ठीक है। तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। आईएसडी मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे डाल देना है, नहीं तो इसका ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ नेशनलिटी चूज कर लेना कि आपके कौन से कंट्री से हो, तो आपको इस कंट्री का जो इसमें से जो भी हो आपको चूज कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि रेसिडेंशियल एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर आपको यहाँ डालना है, स्ट्रेट लेन डाल देना है, एरिया लोकेलिटी है जो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, स्टेट यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि सिटी टाउन है जो भी, तो स्टेट जैसे चूज कीजिएगा सिटी टाउन आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखला देता हूँ कैसे आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ बिहार डाल दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ मधुबनी आ चुका है। इसी तरह आपका भी आ जाएगा। यहाँ पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना कि आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो इसमें से आपको चूज कर लेना, ठीक है। यहाँ फ़ोन नंबर वो डालना है, फ़ोन नंबर वो डालना है जो डेड नहीं हो, ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर पर भी आपका एक ओटीपी आएगा जिस ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फ़ोन पर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और ऊपर आइए यहाँ पर ईमेल आईडी पर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वही दीजिए जो डेड नहीं हो, चलता अवस्था हो, क्योंकि आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा तभी आपका अकाउंट क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपी रेजिडेंशियल टू ऑफिस एड्रेस। सिंपली अगर आपका जो ये जो है रेजिडेंशियल एड्रेस और नीचे यहाँ पर ओके कीजिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ऑफिस एड्रेस, तो आपको रेजिडेंशियल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों अगर सेम है तो सिंपली हम यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। अगर हमको जैसे ये जो रेजिडेंशियल एड्रेस और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफिस एड्रेस अगर अलग अलग है तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको ऑफिस एड्रेस भी फिलअप करना पड़ेगा। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ सिंपली यस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर टिक लगा हुआ है ISCTSBI का। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आप रोबोट हो, अगर नहीं हो तो सिंपली इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक लाइट, तो जहाँ ट्रैफिक लाइट है आप उसको सर्च कर लीजिए। यहाँ पर ओके कर टिक मार्क करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख रही है कि बाइसाइकिल का ऑप्शन आ चुका है, बाइसाइकिल जहाँ है उसको आपको लेके यहाँ फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा कैप रोबोट नहीं हो तो सिंपली यहाँ पे आ चुका है, या टर्म को आपको एग्री करना है तो आपको चेक कर लेना कि आपका पूरा फॉर्म फिलअप है। अगर फिलअप है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्टर वाले पे ओके करना। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्टर वाले पे ओके कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि यहाँ कॉन्फर्मेशन आ चुका है कि आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको जब दोबारा से लॉगिन कीजिएगा तो आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लेना है, ठीक है। इसको चलिए मैं सिंपली यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सक्सेस का यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली आपका हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखा है, थैंक यू यू हैव द सक्सेसफुली रजिस्टर, मतलब आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो, आपका यूजर आईडी आपका यहाँ पर आ चुका है जो आप देख रहे हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुली। इसका वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इंजॉय योर सर्विस, मतलब आपको क्या कह रहा है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यूजर रजिस्टर कॉन्फर्मेशन हैज़ बीन सेंड योर रजिस्टर मोबाइल ईमेल आईडी एंड या इसके बाद मोबाइल नंबर। सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा आपको इसको रीड भी कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, जो आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा ईमेल आईडी को, ठीक है। उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन एक्टिव योर अकाउंट। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर पर ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉगिन का ऑप्शन है, चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड सेट किया था वो आपको यहाँ डालना है, पासवर्ड जो भी आप चूज किए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद ये कैप्चा है, या आप देख रहे हो कैप्चा 5MO1KN, आपको इसमें डाल के सिंपली यहाँ पे साइन इन करना है, या आप लॉगिन बुकिंग विथ ओटीपी, अपने ओटीपी के द्वारा भी आप इसको साइन इन कर सकते हो।
तो हमको सिंपली कैप्चा डाल के सिंपली हमको साइन इन करना है। तो मैं अपने यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ या कैप्चा डाल के साइन इन कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे यूजर आईडी डाल देता हूँ, तो इसमें मैं यूजर आईडी चूज कर लेता हूँ। तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिंपली कैप्चा डालने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए, जैसे मैं डाला हूँ कैप्चा, ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब बोल रहा है कि आप जो भी मोबाइल नंबर दिए थे वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल आईडी जो दिए हैं वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको वेरीफाई के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी। तो आपको यहाँ पे भी मोबाइल वाला जो ऑप्शन है वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं जैसे आपको पहले बोला था कि आपको जो मोबाइल नंबर है वो डालना है वेरीफाई के लिए और ईमेल आईडी के लिए, तो आपको अब यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ वेरीफाई मोबाइल नंबर पे ओटीपी ओके करता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, जो आप यहाँ सेकेंड देख रहे हैं चल रहा है। चलिए मेरे पास मेरे केस में आ चुका है, मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। तो आपके केस में जो भी आया होगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालते हैं। चलिए मैं अपना केस में आ गया है, मैं अपना केस में यहाँ पे डाल देता हूँ। आपके केस में जब भी आए जो भी नंबर आए वो आपको डाल देना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ क्या करना है, सबमिट ओटीपी पे ओके कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है वेरीफाई ईमेल पे आपको ओके करना है, वेरीफाई ईमेल आईडी विद ओटीपी। चलिए मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करते ही आपके ओटीपी गया होगा, यहाँ सेकेंड चल रहा है। मैं चलिए मैं अपना देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, देख रहे हैं कि आपका केस में यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, जो है 6267 62। चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ओटीपी, ठीक है। तो 6267 62 डालने के बाद सिंपली यहाँ पे ओटीपी पे ओके कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ईमेल आईडी वेरीफाई। तो अब आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लिक हेयर टू लॉग इन अगर, मतलब हम अपने जो IRCTC अकाउंट बनाए थे उसमें लॉगिन होने के लिए हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन पे क्लिक करता हूँ। ओके क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फिर से ये पेज ओपन होकर आया था। टर्म को रीड कर लेना, मुझे पता है किसी को रीड तो करना नहीं है, सिंपली आप ओके करेंगे। इसके बाद सिंपली उसी तरीके से जो उस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से यहाँ पे अपना ट्रेन नंबर और फॉर्म कहाँ से कहाँ तक जाना है, इसके बाद डेट आपको चूज कर लेना है, क्लास चूज कर लेना है। चलिए आपको जैसे आप मुंबई से दिल्ली जाना है तो आपको उसी तरीके से इसमें टाइपिंग कर देना है, इसके बाद यहाँ पे फाइंड ट्रेन पर ओके कर लेना है, या आप डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन वाले पे जाके भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो जो भी आपका जो भी लॉगिन आईडी आप बनाए हैं, आप पासवर्ड बनाए, वो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है, कैप्चा आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर साइन इन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन पे ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि योर अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे अपना प्रोफाइल में जाके अब टिकट वगैरह आप बुक कर सकते हो। तो देख रहे हैं कि अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ गया, ट्रांजिस्टर लिंक योर आधार फेसबुक लॉग आउट। तो इस तरीके से आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो आप यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपका वेलकम टू इंजीनियर राजा, तो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, यहाँ लॉगआउट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ भी आपका अकाउंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल पे जाकर अपना प्रोफाइल पे ओके कीजिए, अपडेट प्रोफाइल का चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है और ढेर सारा यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से अपना यहाँ लॉगआउट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो सिंपली अपना प्रोफाइल वगैरह का यहाँ अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको टिकट बनाना है, तो यहाँ पर सिंपली फॉर्म टू, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि अपना डेट ऑफ चूज कर लेना है, क्लास चूज कर लेना है, जो भी क्लास आपको लेना चाहते हैं। इसके बाद सिंपली फाइंड ट्रेन पर सर्च करके अपना टिकट बहुत ही आसानी से यहाँ से आप बुक कर सकते हो, जो एक सिंपल से और साधारण से आसान प्रोसेस में मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आपको IRCTC पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बनाना है, या अपना जो अकाउंट बनाया है उसको देखने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि माय अकाउंट माय प्रोफाइल, इसको यहाँ अपग्रेड प्रोफाइल, इसको आप ओके कीजिएगा। तो आपके यहाँ देखा प्रोफाइल आपका आ चुका है। अब यहाँ पर पूरा आपका जो है समरी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इंडिया, कंट्री, इसके बाद पूरा बायोडाटा आपको यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और अब इसको फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इतना फैला दे कि ये बहुत ही आसानी, जो भी मेरे फ्रेंड वगैरह है जो अकाउंट बनाना चाहते हैं सिंपल तरीका से, वो बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट बना सके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
सो गाइज आपने जाना कि किस तरीके से 2021 में IRCTC में अपना एक अकाउंट बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।